ग्वालियर के एक निजी हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का केस दर्ज हुआ है। मामले से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्टाफ के लोग एक शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। कंपू थाना पुलिस ने उसकी बहन की शिकायत पर अस्पताल कर्मचारी प्रतीक गौर सहित दो अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। युवती ने शिकायत में बताया है कि मेरे पिता को बीते गुरुवार को न्यू जनक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत चल रहा था। शुरुआत से ही अस्पताल स्टाफ के लोग मेरे ऊपर अभद्र कमेंट्स कर रहे थे। कुछ दिन तक झेलने के बाद स्टाफ की हरकतों के चलते सोमवार को पिता को डिस्चार्ज करने के लिए कहा। इस पर वे लोग और ज्यादा बदतमीजी करने लगे, डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। मेरे रिश्ते के भाई ने इसका विरोध किया तो गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए इसे पीटने लगे। भाई नर्सिंग संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। कंबू थाना क्षेत्र अंतर्गत कल एक ऐसी सूचना मिली थी कि एक पेशेंट के कुछ परिजनों के साथ अटेंडर के साथ हॉस्पिटल के जो स्टाफ डॉक्टर हैं उन्होंने मारपीट की, अवस्था की है। तो इस पर से हमने 354/323 का एक मामला कंबू थाने में पंजीबद्ध किया है, विवेचना में लिया है और उस परिवार के सभी जने उनका मेडिकल कराकर विवेचना में शामिल कराया। मुख्य वजह यही थी कि वो जो पेशेंट था उसको डिस्चार्ज कराना चाहते थे अपनी मर्जी के हिसाब से। डॉक्टरों से कुछ बात को लेकर मुँह बात हुआ, उसके बाद डॉक्टरों ने मारपीट की संबंध में कुछ वीडियोज भी प्राप्त किए हमने और उसी के आधार से हमने मामला।